वरी वन गुड मॉर्निंग वी मीट अगेन ऑन अर यूट्यूब चैनल माई नेम इज सुकृत भूषण एंड दिस इज आर करंट अफेयर्स कम फिनेंशियल इंस्टीट्यूट लेक्चर दैट आई हैव मेड ऑन आर यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल अ फाइन विद योर फैमिली ठीक है तो देखो बेसिकली क्या है ना ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है दिस वीडियो इज़ अ लिटिल प्रोलॉन्ग इट इज़ काइंडक्चर दैट यू पीपलो गिव एंड आई वॉन्ट यू टू मेक अ नोट ऑफ इट एज मच एज पॉसिबल ठीक है आपके पेन पेपर नोटबुक्स निकालना एंड लेटर स्टार्ट विद दिस सेशन ठीक है तो uh, मैं थोड़ा सा आइडिया देते दे तो कि ये सेशन किसके ऊपर है मैंने फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनशियल इंस्टीट्यूट्स बैंक्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने बताया है एंड ऑफ द लेक्चर में मैंने थोड़ा करंट अफेयर्स लिया हुआ है फ्राम हिंदू एंड फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स ठीक है तो uh, मेरा नंबर तो है आपके पास बी इन टच एंड आई एम सो हैप्पी आई एंड ग्लैड टू सी दैट लॉड ऑफ़ यूर स्टूडेंट्स आर आंसरिंग माई क्वेश्चन ऑन करंट on लॉजिकल रीजनिंग group. इंग्लिश है चलो स्टार्ट करते हैं आपका बेन पेपर बुक रेडी रखना और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट पे पूछो या तो मुझे व्हाट्सएप करो आई एल वी वेरी हैप्पी टू गैफ यू ठीक है ओके नाउ uh, देखो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में तीन तरह के, के होते हैं ओके वेन आई से फिनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा कि सर व्हाट आर द फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपको जवाब देने आना चाहिए तो सबसे पहला जो फर्स्ट फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में है इज अ बैंक ठीक है जो बहुत ही कॉमन आंसर होता है बाद में कोई लोग आंसर देते हैं सर देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक होता है प्राइवेट बैंक दूसरा होता है पब्लिक बैंक वहीं आपको रिजेक्ट कर देते हैं इंटरव्यू में ओके सो फर्स्ट फिनेंशियल इंस्टीट्यूट इज अ बैंक सेकेंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूट इज अ एन एंड थर्ड इज अ स्मॉल फिनेंस बैंक

बट थर्ड टाइप ऑफ बैंक है हमारे इंडिया में जो बहुत लोग इंटरव्यू में आंसर नहीं देते हैं जो आपको काम आएगा एंड दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक यू सी पर ड्यूश बैंक है ओके एच एस बी सी हॉगकॉन्गैंग बैंकिंग ऑपरेशन दीज आर फॉरन बैंक यू हैव टू इन योर इंटरव्यू इन योर प्री एग्जाम और मेन्स एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछाता हूँ तीन टाइप ऑफ बैंक होते हैं पब्लिक बैंक प्राइवेट बैंक थर्ड टाइप ऑफ बैंक इज अरेट सो तीन टाइप ऑफ बैंक ऑल थ्री बैंक इन इंडिया इसके एग्जाम्पल्स मैंने आप स्लाइड के पीछे जाओगे तो ये विदाउटल किया हुआ आपको स्लाइड मिल जाएगा चार बैंक के नाम लिख लो आपको इंटरव्यू में काम आएगा ओके नाउ एन बी एफ सी सेकेंड टाइप ऑफ फिनेशियल इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टाइप है हमारी बैंक सेकेंड होती है एन बी एफ सी ये दिख रहा है आपको बजाज फिनसर्व वन ऑफ टॉप इंडिया टॉप फिनेंशियल कंपनी ठीक है इट इज नॉट अ बैंक ये लोन देती है बट ये कैश डिपॉजिट नहीं ले सकती आई बात समझ में तो एनबीएफसी बेसिकली क्या होते हैं सिंपल है बैंक कैश लेती है डिपॉजिट और लोन दे सकती है एन बी एफ सी सिर्फ और सिर्फ लोन दे सकती है दे कांट टेक कैश फ्रॉम पीपल एम आई क्लियर इंडिया so, की नंबर वन लोन देने वाली कंपनी कौन सी है? बजाज आपको पूछा जा सकता है सुंदरम फिनेंस। अपने मुथुट फाइनेंस का नाम सुना होगा अमिताभ बच्चन जिसके अभी ब्रांड एम्बेसडर है ओके okay, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस जो सिर्फ हाउसिंग लोन देती है ओके एल आई सी इज एन इंश्योरेंस कंपनी बट अगर आपको घर या फ्लैट लेना है तो वो आपको दे विल गिव यू लोन ऑलराइट इंडिया इन्फ्लू आई आई एफ एल बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आई आई एफ एल ज्वाइन करते हैं इट इज नथिंग बट एन एन बी एफ सी कैपिटल फर्स्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एन बी एफ सी डी एच एफ एल डूब गई एन बी एफ सी ओके तेरह रुपए के स्टॉक प्राइस है उसके वो 430 पे एक वक्त था इट वॉज प्रॉफिट मेकिंग एन बी एफ सी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है इट इज नाउ बैंक ऑल राइट थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ओके ये थर्ड है ये सेकेंड है ए स्मॉल फाइनेंस बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसके नाम में ही एक्सप्लेनेशन है स्मॉल फाइनेंस का मतलब क्या होता है स्मॉल फाइनेंस इज नथिंग बट जो छोटे लोन देते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स को लोन देना ओके फॉर एग्जाम्पल एम को लोन देना जो छोटे कंपनी होती है

ना लेटस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको दिस इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है ये ठीक है ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ पर आ, एक पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि वॉट इज़ एन एन बी क्या कहती है इट इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज़ एक्ट नाइनटीन आपको बस इतना याद रखना है अगर इंटरव्यू में पूछे भैया बताओ व्हाट इज एन आपको इतना बोलना इट अ कंपनी कैन 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 गिव लोन नॉट नॉट टेक मनी और और डिपॉजिट डेबिट कार्ड बट दे कंपनीज एक्ट नाइन वेरी इंपॉर्टेंट मीन में ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है. Okay, now, is, कुछ के मैंने निकाले हुए को मैं आ, एक एक पढ़ूँ पढ़ आई एल कीप ऑन रिपीटिंग एंड आई वॉन्ट यू टू मेक अ नोट ऑफ इट ठीक है सी आई हैव एक्सप्लेन यू वॉट इज रेपो रेट वॉट इज रिवर्स रेपो रेट वॉट इज एस एल आर बट स्टिल क्विकली मेक अ नोट ऑफ इट वॉट इज रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एंड एस एल आर देखो रेपो रेट इज़ नथिंग बट जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद रखना ठीक है लोन देती है कोई भी बैंक्स को ओके okay. वो लोन देती है बैंक को एट एन इंटरेस्ट रेट एक परसेंटेज पे देती है आपको इतना इंटरव्यू में पूछा रेपो रेट क्या होता है रेपो रेट इज नथिंग जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी बैंक को लोन देती है बिजनेस करने के लिए एट एन इंटरेस्ट रेट दैट रेट इज नोन एज रेपो रेट एम आई क्लियर नाउ रिवर्स रेपो रेट मैं ये वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे एंड एस एल आर ऑल्सो बिकॉज दीज आर अ लिटिल डिफिकल्ट टर्मीलोलॉजिज टू एक्सप्लेन इन द वीडियो लेक्चर इट सेल्फ आई विल एक्सप्लेन इट यू इन द क्लास रूम ठीक है वॉट इज रिवर्स रेपो एंड वॉट इज एस एल आर ठीक है आपको अभी सिर्फ रेपो रेट याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट ओके वॉट इज अ बिटकॉइन ये वन क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है आई बी के पेपर में आर बी आई पी ओ में एस बी आई के मीनस में एस बी आई में तो बिटकॉइन याद रखो देखो स्टूडेंट्स दो टाइप ऑफ करेंसी होती है एक होती है हमारा नोट ठीक है जिसपे हम जो खर्चा करते हैं और एक होता है क्रिप्टो करेंसी ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है ये वर्चुअल करेंसी है ये दिखती नहीं है यह आपके अकाउंट में पैसा होता है आपको उसको खर्चा करने के लिए यू हैव टू वर्चुअली डू द ट्रांजेक्शन थ्रू ऑनलाइन इट इज अ वर्चुअल करेंसी नॉट हैव करेंसी फिजिकल इन पेपर ऑल राइट देर इज नो बॉन्ड्स एसोसिएटेड विद इट आपको अगर उसको स्पेंड करना है तो आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन ही करना पड़ेगा उसको बोलते हैं बिटकॉइन आई अंडरस्टुड गो टू द नेक्स्ट पॉइंट सी वॉट इज़ कॉल मनी नोटिस मनी एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट अगेन आई एम गो नो एक्सप्लेन यू इन द क्लासरूम दीज आर बिग टॉपिक्स इसके लिए मुझे अलग से वीडियो लेक्चर बनाना पड़ेगा मैं सिर्फ बेसिक पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग वही मैं ले रहा हूँ ओके ग्रीन बैंकिंग बार बार पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट है समझने की कोशिश करो ग्रीन बैंकिंग इज नथिंग अगेन आई एम रिपीटिंग सी अगर मैं एक बैंक में जाऊँ तो मुझे बैंक क्या देगी मुझे एक बैंक को सबसे पहला नोट देना पड़ेगा तो वो अकाउंट ओपन करेगी अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे एक चेकबुक मिलेगा आई विल गेट अ डेबिट कार्ड तो इसके लिए है ना गवर्नमेंट का खर्चा बहुत होता है वॉट इज़ ग्रीन बैंकिंग यू डोंट हैव टू डू एनी ट्रांसफर ट्रांजेक्शन विच इज़ फिजिकल फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो मुझे करेंसी देनी पड़ती है तो पेपर का इस्तेमाल हुआ वो मुझे चेकबुक देंगे पेपर का इस्तेमाल हुआ मुझे बैंक स्लिप भरना पड़ा पेपर का इस्तेमाल हुआ सो ग्रीन बैंकिंग इज़ नथिंग बट पेपरलेस ट्रांजेक्शन आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है एज सिम्पल एज देट इसको बोलते हैं ग्रीन बैंकिंग यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है इससे बैंक्स का एक्सपेंस बहुत कम होता है और कार्बन फुटप्रिंट जिसको हम बोलते हैं कि पोल्यूशन फ्री ट्रांजेक्शन ऑफ बैंकिंग ज़्यादा सिंपल हो जाता है ना ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक स्टूडेंट्स प्लीज इसको पॉज करो वापस रिपीट करो दस बार सुनो बट समझने की कोशिश करो ना वॉट इज अ ब्लॉक चेन सिस्टम रीड दिस नोट विच आई है सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैंने और एज अ मैटर ऑफ आई वॉन्ट टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर अकाउंट ओके अगर मुझे वन थाउजेंड रुपीज ट्रांसफर करने हैं तो ट्रांसफर करने के लिए आई विल यूज डिजिटल ट्रांसफर ठीक है मैं एन एफ करूंगा या तो फिर आर टीजीएस करूंगा नॉट ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर देर इज हाई पॉसिबिलिटी द थर्ड पर्सन माइट स्टील द मनी इन बिटवीन या तो वो अकाउंट हैक करेगा या तो अपना एक नया सॉफ्टवेयर बना देगा वो कंप्यूटर में बग डाल देगा वायरस इंसेप्ट कर देगा कुछ भी हो सकता है सो ब्लॉक चेन इज नथिंग बट कि मेरा जो पेमेंट है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर वो एक बहुत ही सिक्योर्ड फॉर्मेट में जाएगा ऑल मेजर बैंक इन इंडिया हैव नाउ न सिस्टम एज सिंपल एज डैट एक बेसिक एल्गोरिथम होता है आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है इतना समझो ब्लॉक चेन इज अ सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योर डिजिटल पेमेंट एज सिंपल एज डैट ठीक है आपको बस इतना ही समझना है ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ओके स्कीमिंग का मतलब क्या है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ और यहाँ पर मैं फिशिंग भी लिख देता हूँ कि वॉट यू मीन बाय फिशिंग ना फिशिंग का मतलब होता है फिशिंग एंड स्कीमिंग दीज टू टॉपिक्स आर रिलेटेड इम्पोर्टेंट और ये क्या है ज़रा समझने की कोशिश करो देखो स्कीमिंग मीन्स आपको एक मेल आएगा और उस मेल के ऊपर लिखा होगा कि आपको लॉटरी लग गई है ठीक है और आपको दस हज़ार डॉलर का प्राइज़ मिला हुआ है जिसकी लॉटरी की टिकट आपने कभी काटी नहीं थी वो आपको भी मालूम बट लालच ओके जस्ट आउट ऑफ द ग्रीड दैट यू फील दैट यू टेन थाउजेंड डॉलर आप उसको आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स देते हो उसको बोलते हैं मछली पकड़ना फिशिंग या तो स्किमिंग स्किमिंग इन फिशिंग इज नथिंग बट लालच से उनको उनके बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स मंगा लो उनको बोलो कि आप फाइव थाउजेंड रुपीज ट्रांसफर करें और हम टेन थाउजेंड डॉलर आपको बहुत ही जल्दी डॉलर आ नॉट इवन इंडियन मनी हम आपको ट्रांसफर कर देंगे उसको बोलते हैं स्किमिंग एंड फिशिंग ओके मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है आई एम पॉजिंग एंड आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड मेरे पास पैसा है समझो दस हज़ार रुपये न दिस टेन थाउजेंड रुपीज़ में से आई हैव टू पे गवर्नमेंट वन थाउजेंड रुपीज एज टैक्स मुझे सरकार को एक हज़ार रुपये टैक्स देना है ठीक है मैं क्या करूँगा मैं ये टेन थाउजेंड रुपीज़ मेरे अकाउंट में डालूंगा ही नहीं मैं ये टेन थाउजेंड रुपीज़ डालूंगा मेरे फॉरन अकाउंट में आई बात समझ में इसका मतलब क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट नो कि मेरे खाते में पैसा ही नहीं आया तो वो मुझे टैक्स लगाएगी नहीं इन इन शॉर्ट आपको स्विस बैंक तो पता ही होगा सबको मनी लॉन्ड्रिंग इज़ नथिंग बट द मनी दैट आई हैव अर्नड जो मेरा पैसा है वाइट मनी उसको मैं ब्लैक करता हूँ फ़ॉरन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर एक जगह एक अकाउंट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करना ओके ओके डायरेक्ट डेबिट कैश क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज कैश रिजर्व रेशियो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द क्लासरूम पॉज करके एक बार पढ़ लो नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना ओके क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ ये क्या है जरा इसको समझने की कोशिश करो वॉट इज क्लीन नोट पॉलिसी देखो हमारी है ना एक बहुत बुरी आदत है हमारे करेंसी के ऊपर समझो ये वन थाउजेंड रुपीज का नोट है हम कुछ ना कुछ तो ना लिखते ही रहते हैं अपना नाम लिखेंगे ठीक है हम आ, हार्ट शेप के डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे हम उसके ऊपर लिख देंगे काउंटेड करके चेक करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्लीन नोट पॉलिसी इज़ नथिंग बट इट इज़ इन यू नो इन 1998 गवर्नमेंट को जितने भी नोट्स हैं उनकी वैलि उनकी जो लाइफ स्पैन है अगर वो कम हो गई तो उनको और न्यू नोट्स बनाने पड़ेंगे जिससे आर का बहुत खर्चा होता है हमें वो बात नहीं समझी अगर आप पेन से लिखोगे इफ यू राइट समथिंग ऑन द करेंसी नोट वॉट विल हैपन इज द लाइफ ऑफ दैट करेंसी रिड्यूसेस सो टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द करेंसी ऑफ नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड दिस क्लीन नोट पॉलिसी ओके कैमल रेटिंग इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस सो प्लीज डू नॉट मेक अ नोट ऑफ इट अच्छा मसाला बॉन्ड कोर बैंकिंग सोल्यूशन एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीख, समझ लो मैं इन शॉर्ट आपको समझा देता हूँ सी व्हाट इज मसाला बॉन्ड ये क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई के मेंस में एंड एसबीआई पीओ मेंस में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अगर मेरे पास अकाउंट में पैसे हैं इफ आई ओपन अप एन अकाउंट इन एनी बैंक इन यूनाइटेड किंगडम ठीक है Kingdom, अगर मैंने लंडन के बैंक अकाउंट में या तो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में मैंने अगर अकाउंट ओपन किया तो उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड देखो और इन शॉर्ट बता देता हूँ वट इज मसाला बॉन्ड मसाला बॉन्ड बॉन्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको पैसे दिए आपने मुझे एक पेपर का टुकड़ा दे दिया उसके ऊपर साइन कर दिया कि द मनी दैट यू हैव गिवन मी आपको मैं पाँच साल के बाद इंटरेस्ट रेट के साथ वो पैसे दे दूंगा उसको बोलते हैं बॉन्ड ठीक है सो मसाला बॉन्ड क्या है अगर आपको यूनाइटेड किंगडम से इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया में लाना हो तो आप वहाँ पर बॉन्ड्स इशू करो इफ यू हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड नॉट वरी डोंट गूगल इट आई विल एक्सप्लेन इट यू इन द क्लास रूम बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है एक्सक्यूज मी इन शॉर्ट हमारे इंडियन कंपनीज को अगर यूके के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है तो हम उनके बैंक्स में बॉन्ड्स इशू करते हैं

अगर मेरा बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और मेरा अकाउंट अगर दादर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ दादर के बैंक ऑफ इंडिया से ही बिजनेस करूँगा या तो फिर कैश ट्रांसफ़र लूँगा ए टी एम उसी का यूज़ करूंगा ऐसा नहीं होता मैं कहीं से भी कर सकता हूँ ओके ओके सॉरी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सी दिस लेक्चर इज़ गुनो बी ये प्रोलॉन्ग ये वीडियो थोड़ा लंबा है पॉज करके ब्रेक लो उसके बाद फिर से रिपीट करना नहीं समझा तो बट प्लीज़ इसको सुन लो वट इज़ यू सिंपल नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर बिटवीन टू इंडिविजुअल मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर पेमेंट करना है तो मुझे बीच में एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटरफेस का मतलब होता है बीच में खड़े रहना। ये पेमेंट सक्सेसफुली होना चाहिए फ्रॉम वन पॉइंट टू दी उसको बोलते हैं इंटरफेस एज सिंपल एज डेट नेक्स्ट पॉइंट वट इज बैंक इश्योरेंस सिंपल लैंग्वेज में बैंक इंश्योरेंस का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ एक बैंक अपने प्रोडक्ट्स के साथ जब इंश्योरेंस भी आपको बेचती है उसको बैंक इंश्योरेंस कहते हैं आई बात सर आपने पता नहीं रिसेंटली देखा होगा अगर अगर एक फ्लाइट की टिकट बुक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका इंश्योरेंस आईसीआईसीआई बैंक से आई सी विल बी दे विल रुपीज देड्रेड रुपीज टू योर टिकट मतलब अगर फ्लाइट कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आपके फैमिली मेंबर को सम अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा ओके दिस इज नोन एज बैंक इंश्योरेंस so when you open up an account automatically they will give you an insurance इसको कहते हैं bank insurance banking ombudsman ka matlab hota hai agar any person having having a problem with any other for for as a matter of fact with any bank अगर मैंने एक bank में account open किया और मुझे cheque आया नहीं है thirty days तक और वो bank बोल रही है हम देखेंगे हमने अभी तक बनाई नहीं है cheque तो आपका वो grievance कौन handle करेगा

अगर किसी फॉरेनर का इंडियन बैंक में पैसा है उसको बोलते हैं वस्त्रो नो का मतलब होता है ours, मतलब, हमारा. का मतलब, होता है, ये है, मतलब हमारा पैसा अगर तुम्हारे अकाउंट में है तुम्हारे बैंक के अकाउंट में उसको बोलते हैं नोस्त्रो और अगर वस्त्रो का मतलब है बाहर का पैसा अगर हमारे कोई इंडियन बैंक में उसको बोलते हैं हम वस्त्रो कासा का फुल फॉर्म आपको पता ही है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट राफा का फुल फॉर्म पता ही है आपको फिक्स डिपॉजिट और डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट ओके रिमेंबर दिस शायद टर्मिनोलॉजिज पूछ सकते हैं डीमेट अकाउंट आपको पता ही होता है क्या है मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर शेयर्स लेने हैं तो मैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट से नहीं ले सकता इट इज थ्रू डीमेट अकाउंट ओके नाउ इंसॉल्वेंसी बैंक टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई विल अगेन एक्सप्लेन इट टू इन द क्लास रूम पॉज करके इसको एक बार पढ़ लेना वॉट इज इंसॉल्वेंसी इट इज नथिंग बट मैंने आई एम अ पर्सन मैंने बैंक से लोन लिया ओके okay? लोन लेने के बाद आई एम नॉट एबल टू रीपे द ई एम आई आई एम अ कंपनी नॉट एन इंडिविजुअल मैं एक कंपनी हूं मैंने बैंक से लोन लिया बट मैं ई एम आई भर नहीं पा रहा हूँ जब मैं ई एम आई भर नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा इंस्टॉलमेंसी के लिए अप्लाई कर दूंगा सिमिलरली बैंक बैंक रपसी का मतलब सिंपल होता है आई एम अ बैंक पर्सन मेरे पास पैसा नहीं है टू फिल टू रीपे बैक दी ई एम आई सो वेन यू फाइल फॉर बैंक तो होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रीपे द लोन ओनली एंड ओनली इफ दे फाइंड

ओके स्मॉल फाइनेंस बैंक आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू इन द प्रीवियस स्लाइट ओके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको पता ही है हमारे इंडिया में क्रिसल करके एक बहुत पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपनीज को रेट करती है ठीक है सो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आई विल एक्सप्लेन यू दिस अगेन इन द क्लास रूम मैं वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ब्लोड चाहिए और आपको नोट्स देने पड़ेंगे सो रीड इट आई विल एक्सप्लेन इट यू इन द क्लास रूम ओके, ओके, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एस एल आर आई थिंक आई हैव ऑलरेडी इनफॉर्म्ड यू रेपो रेट क्या होता है इट इज नथिंग बट द रेट एट विच आर बी आई गिव्स लोन टू द बैंक्स ओके क्विकली करंट अफेयर्स करते हैं हार्डली दो चार मिनट लगेंगे बट थोड़ा सा ध्यान देना uh, देखो स्टॉक मार्केट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको पता ये म्यूचुअल फंड मतलब क्या है everyone knows a little idea about what is mutual fund and what are stocks ठीक है तो हुआ क्या है ना एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ हैज क्रैश्ड उसका नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन उसके छ फंड्स छ फंड्स क्रैश हो चुके हैं म्यूचुअल फंड क्या करता है आपसे पैसा लेता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है और आपको पाँच साल या दस साल के बाद वो पैसा रिटर्न कर देगा विद इंटरेस्ट रेट सिक्स म्यूचुअल फंड ऑफ फ्रैंकल टेम्पल्टन गिर गए उन्होंने बोला है कि हम बैंक है हमारे पास पैसा नहीं है लोगों को रिटर्न करने के लिए ओके सो आर बी आई आई बचाने के लिए आई होप सो दे विल सेव फ्रैंकल टेम्पल्टन जो हालांकि इम्पॉसिबल है बचाना इतना पैसा आर बी आई नहीं इन्वेस्ट करेगी ओके नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा जो कोविड नाइन्टीन केस की वजह से हमारा जो करेंसी है हैज़ गॉन टू सेवेंटी सिक्स रुपीज़ पर डॉलर विच इज़ वेरी वेरी हाई इट इज़ दी हाईस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट ओके फ्रेंकल टेम्पल डिल के मेरे बारे में आपको बता दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस कोविड इज टू लैक नाइन्टी थाउजेंड प्लस केसेज वर्ल्ड वाइड इंडिया में इट हैज़ टच्ड मोर देन वन थाउजेंड डेथ जस्ट टू गीप यू अपडेटेड ऑल राइट सो दिस वॉज करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हाउ डज द बैंकिंग सिस्टम वर्क टेक्नोलॉजी ब्लॉक चेंज क्या होता है ये इसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक छोटा वीडियो बनाया ओके स्टूडेंट आई एम कॉन नो आस्क यू फ्यू क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप डू आंसर एज मच एज पॉसिबल ठीक है okay? Students, answer, as as possible, uh, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है इफ़ यू डू नॉट हैव प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस व्हाट्सएप नंबर एंड गिव मी अ व्हाट्सएप कॉल और अ मैसेज एनी गिवन टाइम बिटवीन टेन टू सिक्स ऑल राइट चलो हैव अ नाइस डे Uh, be safe, and I am expecting that we are going to meet very soon. Okay? Bye bye. Take care.